और ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर। ये तस्वीरें देखिए, अब ये तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। जश्न की विक्ट्री साइन दिखाते हुए बड़े नेता, बड़े मंत्री यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखाएंगे जरूर कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में लखनऊ में किस तरह का माहौल है। हालांकि लगातार हमारे सहयोगी वहां से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लड्डू बटने शुरू हो गए। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। विशाल, इस वक्त की तस्वीर क्या है? और देखिए, मैं आपको बता दें कुछ देर के बाद बस यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि खुद ही यहाँ पर ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचेंगे और 5 बजे उत्तर प्रदेश के CM यहाँ पर पहुंचेंगे। फिलहाल BJP दफ्तर पर जश्न का माहौल है और 5 बजे मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो संबोधित करेंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर तमाम जो ढोल नगाड़े हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो है लगातार जो है आप तस्वीरें देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर जो है पूरी तरह से जश्न की तैयारी की जा रही है। और ये फिलहाल तस्वीरें जो है ये तस्वीरें हम भाजपा दफ्तर की चला रहे, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में वो करें सीधे तौर पर कह सकता है कि लगातार जश्न जो है वो सीधे तौर पर कह सकता है कि जो जश्न है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े जो है बजाए जा रहे हैं और बस इंतजार किया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है BJP दफ्तर से हम देख पा रहे हैं और लगातार जिस तरह से एक एक करके अब जो जश्न का माहौल है, चूंकि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर जो है BJP आज ने जो है बड़ी जीत हासिल की है और क्लीन स्वीप किया है, तो ऐसे में बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। अब आप देखिए तस्वीरें देखिए, अब जगनदेव सिंह यूपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंच रहे हैं और अब पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब धीरे धीरे करके तमाम जो यहाँ पर नेता है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि अब एक एक करके जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी और जगनदेव जी हैं जिस तरह पर कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और तस्वीर जो है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लगातार जो है आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरें आप सामने आ रही हैं यहाँ पर और BJP और प्रदेश कार्यालय की अगर हम बात करें तो और तमाम जो उप मुख्यमंत्री हैं और जो CM है वो बस यहाँ पर आने वाले हैं। तो ऐसे में आप लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर कि आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अब धीरे धीरे तमाम नेताओं के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर CM पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर अलर्ट हो चुका है चारों तरफ, आप कुछ और गाड़ियां आ रही हैं, जरा उसमें देखिए कौन VIP हैं या फिर कौन बड़े नेता हैं। कुछ और गाड़ियां भी आ रही हैं कार्यालय में, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और बस अब केवल 15 मिनट के बाद जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर और उसका परिणाम यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में सीधे तौर पर क्लीन स्वीप जो है वो BJP ने की है और उसी जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर कुछ देर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। बिल्कुल विशाल, चूंकि आप BJP कार्यालय में हैं, लखनऊ में हैं, तो महत्वपूर्ण हो जाता है तस्वीरें देखना दर्शकों के लिए। वहां पर वहां का एक बार माहौल दिखाइए, एक बार तस्वीरें दिखाइए और जो गाड़ियां अगर आ रही हो तो उसमें भी देखिए कौन बड़ा नेता, कौन ना बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल, आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं क्योंकि देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि BJP मुख्यालय की ये तस्वीरें हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे और लगातार जो है अब तमाम जो नेताओं के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दोनों डिप्टी CM जो है वो पहुंच चुके हैं, इसके साथ साथ UP सरकार के जो मंत्री हैं चाहे वो असीम अरुण हो, स्वतंत्र देव हो, सभी लोग जो है धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और 5 बजे ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि
अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। मतलब साफ है कि बस कुछ ही देर के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो संबोधित करेंगे। तो फिलहाल ये जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी की, उसका जो पूरा जो श्रेय है वो जो है सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जनसभाएं की थी अलग अलग जगहों पर जाकर, और उसके साथ साथ पूरी तरह से जो प्लानिंग की गई थी, जो बूथ स्तर पर प्लान किया गया था, संगठन सरकार ने मिलकर ये जो पूरा एक जो कार्य योजना बनाई थी उसको पूरा श्रेय जाता है, क्योंकि बूथ लेवल पर कहाँ कहाँ पर क्या कमी रह जाती है उन सब कमियों को पूरा करने के लिए, इसके साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि आगामी दिनों में क्या कुछ जो है जो रणनीति रहेगी, इन सब चीज़ों को लेकर बाकायदा एक मैनेजमेंट किया गया था, एक वॉर रूम तैयार किया गया था, वॉर रूम में लगातार जो है बैठ कर हर बूथ विजय अभियान को जो है फोकस किया जा रहा था। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी दफ्तर बिल्कुल विशाल और दोनों डेप्यूटी सीएम पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में ये माना जाए कि कभी भी किसी वक्त किसी भी पल यहां पर मुख्यमंत्री आप पहुंच जा सकते हैं, अलर्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि अलर्ट हो चुका है, लेकिन बस अब कुछ ही देर के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे का समय बताया गया था, तो माना जा रहा है कि अगले 5 से 6 मिनट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सीधे 5KD से यहाँ पहुंचेंगे, उनके साथ यूपी बीजेपी प्रभारी जो है राधा मोहन सिंह भी जो है वो पहुंचेंगे। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि बस 5 से 10 मिनट के बाद जो तस्वीरें आएंगी वो बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें होंगी, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जब नगर निगम के चुनाव होते हैं और निकाय चुनाव में। बीजेपी दफ्तर से आपको दिखा रहे दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं, और अब महज 5 से 7 मिनट के बीच सीएम योगी भी यहां पर पहुंच जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जश्न की तस्वीरें आपको फिर से हम दिखाएंगे। और जश्न की तस्वीरें आना लाजमी भी है। भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर 17 के 17 निगमों पर आगे चल रहे हैं, और यानी जीत अब लगभग तय मानी जा रही है, जश्न होगा।